और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे चैनल हेड श्री अनिल लोढ़ा जी। जी सर, बताएं किस तरह की घोषणाएं हुई हैं सरकार की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है घनश्याम तिवारी को राज्यसभा चुनाव के लिए। जो बल संख्या दल है उसके हिसाब से एक सीट उनके लिए सुरक्षित है जीतना। 41 वोट चाहिए पहली प्राथमिकता के 200 विधानसभा सदस्यों में। भाजपा के पास कंफर्टेबल है एक सीट निकालने के लिए। और घनश्याम तिवारी को लिया गया है इस बात की, कल ही सुखबुगाहट बाहर आ गई थी और कुछ लोगों ने लीक कर दिया था एक तरह से इस बात को, लेकिन वास्तविकता यह है कि घनश्याम तिवारी, भैरव सिंह शेखावत जो भारतीय राजनीति के दिग्गज रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनके दत्तक पुत्र की तरह थे। उन्होंने उनके पूरे पॉलिटिकल ब्रेन को कॉपी कर लिया था। उनके साथ जब त्रिशंकु विधानसभा आई थी तब किस तरह बहुमत हासिल करके सरकार बनाई गई उसके वो पूरे उसमें न केवल साक्षी थे बल्कि उसके कर्ताधर्ताओं में से एक थे। गठबंधन की राजनीति को वो समझते हैं, जानते हैं। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के साथ देखे बड़ा अध्ययन भी किया है और काम भी किया है। जी सर जी। और दूसरी बात यह है कि वो बीच में वसुंधरा राजे से भयंकर खिलाफ हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उन्होंने दीनदयाल वाहिनी बना ली थी। फिर एक बार वो कांग्रेस के मंच पर भी चले गए थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें अशोक गहलोत मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और सचिन पायलट मौजूद थे रामलीला मैदान में जयपुर के। लेकिन उनकी भाजपा में वापसी के बाद ये सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या संघ उन्हें स्वीकार कर लेगा, उन्हें माफ कर देगा? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि संघ ने उन्हें कभी गुनहगार माना ही नहीं, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं उठता। वो जब भाजपा छोड़ के गए थे तब भी संघ के संपर्क में थे, भाजपा छोड़ के जाने के बाद कांग्रेस के साथ थे तब भी थे संपर्क में, उसके बाद भी थे, और संघ के प्रयास से वो वापस भाजपा में आए। इसलिए भाजपा में संघ की अगर चलती है तो घनश्याम तिवारी जैसा पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि वो जो अवेलेबल पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त राजस्थान में उनमें सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं में से एक है उनकी गिनती। और वसुंधरा राजे के भयंकर खिलाफ होने के कारण ये आश्चर्य की बात है, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए अगर संकेत है, अगर उनसे नहीं पूछा गया है, उनकी सहमति नहीं ली गई है, तो ये उनके लिए आने वाली राजनीति का संकेत है। और जो प्रवृत्ति चल रही है पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजस्थान में, जिस तरह सतीश पूनिया ने अलग से संगठन मजबूत किया है, पैरेलल जो संगठन चलाने वाले लोग थे उनको झटक दिया एक तरफ, उसके बाद ये आने वाले चुनाव की तस्वीर को साफ करता है कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। और वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक को, जो वसुंधरा राजे को छोड़ के उनके कारण पार्टी छोड़ के चले गए थे, उनको भाजपा ने गले लगा दिया है, संघ ने उनको स्वीकार कर लिया है और राज्यसभा का टिकट दे करके उन्हें मान्यता प्रदान कर दी है। अब बीजेपी को राजस्थान की 200 सीटों का जानकार एक व्यक्ति चुनाव में रणनीति के लिए भी अवेलेबल रहेगा और चुनाव की स्ट्रेटेजी के साथ साथ जो वर्किंग होती है, जो प्रचार तंत्र होता है, उसके लिए भी अवेलेबल होगा। और मीडिया को समझना जितना घनश्याम तिवारी के पास समझ है मीडिया की, उतनी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के पास किसी में नहीं है। इसलिए एक बहु प्रतिभा के धनी व्यक्ति को, जो वसुंधरा विरोध के कारण, वसुंधरा से नाइंसाफी के कारण पार्टी से छिटक गए थे, लेकिन उन्होंने संघ के प्रति आस्था नहीं छोड़ी, हिंदुत्व के प्रति कट्टर बने रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर गले लगाकर नवाजा है और राज्यसभा का टिकट दिया है। इससे ब्राह्मण वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि इस वक्त केंद्र के 3 मंत्री हैं राजस्थान के, वो ब्राह्मण नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जाट है और प्रतिपक्षी नेता जैन है, उपनेता राजपूत है। इसलिए किसी ब्राह्मण नेता को पार्टी के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण एकजुट होकर वोट देते हैं, जय श्री राम के नाम पर वोट देने वाले सबसे बड़े ब्राह्मण वर्ग ही है, इसलिए ब्राह्मण वर्ग को राजस्थान की राजनीति में संतुष्ट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए घनश्याम तिवारी टिकट दिया है। जी जी सर, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे चैनल हेड श्री अनिल लोढ़ा जी।